Assalamu alaikum students I am Ikra and I welcome you all to Zavia Educational Services platform Students as you all know that English is a mandatory part of our competitive exams not just as a medium of communication and instruction but also as a subject So when we talk about English as a subject there are many components of it which are mandatory uh, for us to learn we have to learn the skill to solve them so that we can uh, you know pass our English paper in flying colors

ये फॉर्मल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा होता है फॉर अप्लाइंग सम वेयर और फॉर कन्वेइंग आवर मैसेज टू सम फॉर्मल अथॉरिटी अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम जब एप्लीकेशन राइटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ आती है जिसमें हमने अपना मैसेज पहुंचाना है किसी अथॉरिटी पर किसी डिपार्टमेंट के पास एक मैसेज ऐसा मैसेज जिसमें हमें जो है वो किसी प्रॉब्लम का सामना है या कोई चीज़ है हमारी जो हमें बॉदर कर रही है या कोई रिजर्वेशन है जिसको हमने कंसर्न अथॉरिटी को बताना है कि वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी नीड अ सोल्यूशन ऑफ इट वी हैव दिस रिक्वेस्ट एंड वी नीड अ यू कैन से के रीड्रेसल ऑफ इट और वी हैव दिस रिक्वेस्ट वी नीड अ ग्रांट ऑफ इट सो इन एप्लीकेशन राइटिंग वी मस्ट से दैट दिस इज़ अ फॉर्मल कम्प्लीटली फॉर्मल स्ट्रक्चर एप्लीकेशन राइटिंग के साथ साथ एक इसके कुछ सब्सिडरी पार्ट्स होते हैं या यू कैन से एक सिस्टर फॉर्मेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं कवर लेटर काइंड ऑफ एक हमारे पास कवर लेटर होता है और एक हमारे पास रिज्यूम या जिसको हम अगर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें तो वी से इट एज रिज्यूम और सीवी Uh, ये दोनों चीज़ें जो हैं दे आर डिफरेंट फ्राम एप्लीकेशन बट बेसिकली बिकॉज दे आर अ वेरी फॉर्मल स्ट्रक्चर अबाउट आवर बायो डाटा और अबाउट आवर पर्टिकुलर दैट वी वॉन्ट टू कन्वे टू सम अथॉरिटी सो वी कैन से दैट दीज आर द सबसिडरी पार्ट ऑफ अ फॉर्मल राइटिंग कमिंग बैक टू आवर एप्लीकेशन राइटिंग अब जो एप्लीकेशन राइटिंग है इसमें हमने एक जो है वो पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू कन्वे आवर मैसेज फॉर एग्जांपल इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ यू कैन से के वेस्टेज इन सम पर्टिकुलर एरिया तो हम जो है वो उसको कोई भी एक सिटीज़न जो है अपने बिहाफ पे अपना एक पर्सनल मैसेज डायरेक्ट जो है वो म्यूनसिपल अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जिसमें वो एक जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ ही विल ही और शी विल से दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आर फेसिंग इन आवर पर्टिकुलर कम्युनिटी और एरिया और ये वेस्टेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसको कि रीड्रेसल की जरूरत है इन द सेम वे अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है टू द डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज और अूनिवर्सिटी और अ पर्टिकुलर एनी काइंड यू कैन से एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट यू हैव टू यू नो एड्रेस दैम तो आप किस तरह से चलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ लाइक डायरेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज तो आप कुछ इस तरह से होंगे कि यू हैव टू टेल दैम यू हैव टू टेल द प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टेक अ ग्रांट ऑफ लीव ठीक है तो उस प्रिंसिपल को आप कहेंगे कि दिस इज़ द पर्टिकुलर रीज़न आई गॉट एन एक्सीडेंट लास्ट वीक और जो है वो आई कैन नॉट या आई कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट फ्रॉम द इंजरीज दैट आई सस्टेंड सो आई नीड अ फ्यू डेज रेस्ट टू टेक ओवर और टू गेट ओवर ऑल दीज इंजरीज एंड टू हैव हेल्दी लाइफ अगेन सो इसमें क्या होगा कि आप एक अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो ठीक है और आपको इसमें चाहिए क्या आपने साथ में एक रिजल्ट उसका बता दिया कि आई नीड अ ग्रांट ऑफ फ्यू डेज़ ठीक है आई नीड अ लीव ऑफ फ्यू डेज अब इसमें आपने कुछ चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन राइटिंग में याद रखनी है मैंने आपको बता दिया कि ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो एक अथॉरिटी को हमने डायरेक्ट करके एक पर्सनल ग्रीवेंसेज जो हैं अपनी उनसे आगाह करना है एप्लीकेशन राइटिंग में दो तीन बातों का हमने ख्याल रखना होता है एक तो ये कि इट इज़ अ यू कैन से ए अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैव दिस एम्बिगस आइडिया कि शायद एप्लीकेशन राइटिंग को हमने जितना मर्जी चाहे उसकी लेंथ लिख सकते हैं ये टू पैराग्राफ्स थी थ्री पैराग्राफ्स या पता नहीं जितने कितने भी पैराग्राफ्स का हो सकता है ऐसा नहीं है हमारी जो एप्लीकेशन राइटिंग है दैट मस्ट ऑलवेज बी अ शॉर्ट पैसेज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ टू टू थ्री पैराग्राफ्स मैक्सिमम वैसे टू टू थ्री पैराग्राफ्स तो मैंने मैक्सिमम बताया आपको लेकिन एक अच्छा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन का होता है वो वन पैरा होता है ठीक है उस एक पैराग्राफ के अंदर हमने दो से तीन बातें बता देनी है ठीक है वी हैव टू यू नो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर सेल्स ताकि पढ़ने वाली अथॉरिटी जो है उनको पता चले कि वट आर वी उसके बाद अपनी एक अब जो एक प्रॉब्लम है उसका एक बैकग्राउंड बना देना है कि ये रीज़न है ये इसका कॉन्सिक्वेंस है और उस कॉन्सिक्वेंस के बाद उसको कंक्लूड कर देना है कि इसलिए मुझे ये चीज़ चाहिए ठीक हो गया उसको कंक्लूड करके एंड देन वी एंड आवर एप्लीकेशन हमारी जो एप्लीकेशन है इसमें हमारी लैंग्वेज की क्लैरिटी होनी चाहिए ठीक है क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग और इसके अलावा वी डू नॉट हैव टू बी वेरी ब्लंट और वी हैव टू बी वेरी हार्श इन आवर एप्लीकेशन दिस इज़ नॉट द केस बिकॉज वैन वी आर राइटिंग टू अथॉरिटीज टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स वी हैव टू शो सम काइंड ऑफ रिगार्ड और रिस्पेक्ट वो चीज़ हमने देखनी है अपनी क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज रखनी है कमिंग टू वर्ड्स द यू नो दीकुंस और द पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन राइटिंग में आज कल हमारा जो एक इसको लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि पहले कभी ऐसा होता था कि हम टू से स्टार्ट करते थे ठीक है अब ये जो वर्ड टू है ये हमारा टोटली स्किप हो गया हुआ है इसमें ठीक है अब हम वर्ड टू नहीं लगाएंगे अब हम डायरेक्ट जो यहाँ पर सबसे ऊपर जो चीज़ होगी वो उस अथॉरिटी का एड्रेस होगा जिसको हमने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है ठीक है हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे द प्रिंसिपल लेट्स पोज छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है द प्रिंसिपल में हमारा टी भी कैपिटल है और पी भी कैपिटल है कॉमा देन गवर्नमेंट कॉलेज लेट सपोज आई एम राइटिंग इट टू द प्रिसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कौमा लाहौर फुल स्टॉप ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर वो पूरा ऊपर वाला जिसको कि हमने फॉलो करना है ठीक हो गया उसके बाद ये लिखने के बाद देन व्हाट वी हैव टू राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन ठीक है सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है ना वो आ, परेशान रहते हैं आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन अब क्वेश्चन ऑफ़ एप्लीकेशन से मेरी क्या मुराद है आपको यहाँ पर ऊपर जहाँ मैंने एप्लीकेशन राइटिंग लिखा है इसमें इसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना होगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रिक्वेस्टिंग हिम या फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ लीव ऑफ टेन डेज ठीक है ना वो सारी बात करके ये हमने क्वेश्चन लिख दिया अब उस क्वेश्चन के अंदर से हमने अपनी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट बनाना है ठीक हो गया सब्जेक्ट के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि ये सब्जेक्ट हमारा कितनी लाइंस का होना चाहिए दो लाइंस या एक लाइन मैक्सिमम ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट होगा वो बेसिकली द थीम ऑफ योर एप्लीकेशन ठीक है उसमें आपने सिर्फ ये उसको हल्का सा आइडिया दे देना है कि ये हमारा मेन जो है वो क्रक्स है या मेन जो थीम है एप्लीकेशन का वो ये है ठीक है ताकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में या ढूंढना ना पड़े कि क्या रीज़न है एप्लीकेशन लिखने का सो सब्जेक्ट इज़ अ वेरी फॉर्मल पार्ट ऑफ अवर एप्लीकेशन राइटिंग जिसमें हमने इसको कहना है कि जो हमारा थीम होगा ऑब्जेक्टिव होगा उसके बारे में हमने लिखना है सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट या टेकिंग अ लीव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रांट ऑफ लीव उसके बाद हमने यहाँ पर सर मैडम जिसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं वो लिखकर और आगे हम कॉमा लगा देते हैं ठीक हो गया देन इसको स्टार्ट करना हमने नेक्स्ट लाइन से है और इस लेवल से है ठीक है इसको स्टार्ट करने के बहुत सारे वेज होते हैं फॉर्मल स्टार्ट है इसका बिकॉज एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ठीक है फॉर्मल स्टार्ट है तो इसको हम किस तरह से लेकर चलेंगे हम इसमें कहेंगे इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटेड या आई बेग टू स्टेट या आई स्टेट दिस ठीक है या आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड यू कैन सेक ए काइंड कंसिडरेशन टू वर्ड्स दिस प्रिवेलिंग प्रॉब्लम ठीक है एक बड़े ही फॉर्मल वे में हमने जो है ना एक स्टेट करना है रिस्पेक्टफुली कि ये हमारा प्रॉब्लम है लेट्सपोज आई एम राइटिंग दिस टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज तो हाउ आई विल स्टार्ट इट इज रिस्पेक्टफुलड दैट उस दैट के बाद इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटड दैट उस दैट के बाद जो हमने अगली चीज करनी है वो क्या है हमने अपना इंट्रो देना है ठीक है दैट के बाद हम क्या कहेंगे दैट आई एम आ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर इन योर कॉलेज ठीक है जब मैंने वो बात कर ली ठीक है ना उसको इंट्रोडक्शन वगैरह दे के मैंने ये बात कर ली कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस 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 इन योर कॉलेज ठीक है फिर उसके बाद मैंने एक बैकग्राउंड बनाना है अपनी प्रॉब्लम का ठीक है वट आई विल से हेयर मैं इसे कहूँगी मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये होगा कि मैंने इंटरव्यू दे दिया ठीक है उसके बाद मैं बैकग्राउंड पे चली गई मेरा बैकग्राउंड क्या होगा कि आई गॉट एन इंजरी लास्ट वीक इन एन एक्सीडेंट दैट अकर्ड ऑन मौलाना शोकत अली रोड इन माई कार ठीक है जो भी आपने लाइन का स्ट्रक्चर बना लिया एक बैकग्राउंड बन गया कि अब जो मैं अगली बात करने लगा लगाऊँ उसका रेलिवेंसी से वन लाइन का बैकग्राउंड इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एप्लीकेशन में वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर लेंथ वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड कोई गैर जरूरी उसमें बात नहीं करनी ठीक है उसका बैकग्राउंड बना के ठीक है ये बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने इंट्रो लिखा बैकग्राउंड लिखा अगली ही लाइन हमने जो है वो जो मेन रिक्वेस्ट है उसको दे देनी है मेन रिक्वेस्ट मेरी क्या है कि आई कुड नॉट रिकवर फ्रॉम माई इंजरीज फुली सो आई एम अनएबल टू अटेंड माई क्लासेज इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी मीयर लीव ऑफ टेन डेज सो दैट आई मे ओवरकम ऑल माई इंजरीज एंड गेट माई लाइफ इन अ हेल्दी वे ठीक हो गया तो उसने आगे जो है वो रिक्वेस्ट कर दी कि ये मेरी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट करने के बाद हमने कंक्लूड करना है और जब हमने कंक्लूड करना है तो हमने जो पर्टिकुलर हमारी अथॉरिटी है उसको कहना है कि कंक्लूजन कैसा जब तब होगा जब आपकी एक हम्बल कंसिडरेशन होगी इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड टू गिव काइंड कंसिडरेशन टू माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी अ लीव ऑफ टेन डेज ठीक है ये जो बॉडी पैराग्राफ है ना इसमें ये सारे कॉम्पोनेंट्स होंगे वो सारे कॉम्पोनेंट्स लिखने के बाद फिर हम सेंटर ऑफ द यू नो पेज पे फिर एक चीज़ लिखते हैं थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन या थैंकिंग यू इन एडवांस ठीक है इस तरह की बात हम लिख देते होते हैं उससे क्या होता है कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन थैंकिंग यू इन एडवांस ये सारी जब हम चीज़ लिखते हैं तो इट्स अनदर काइंड ऑफ़ यू कैन से कि सेल्यूटेशंस जो हम उनको दे रहे होते हैं ठीक है यहाँ पर हमने जो है वो कॉमा लगाना है वो लगा के यहाँ पर हमने फॉर्मली एक चीज़ लिखनी है जिसमें हम कहेंगे योर्स ट्रूली याद रखिएगा योर्स का वाई कैपिटल और इसके बाद पॉस्ट के बगैर ऐसा आएगा बिकॉज़ वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन ठीक है इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हमें पोस्ट ट्रॉफी वगैरह लगा दें योर्स ओबीडियटली या योर्स सिंसेरली कुछ भी हम लिख सकते हैं ठीक है आगे हम कॉमा लगाएंगे और एस अगेन कैपिटल होगा अब यहाँ पे नीचे जो है मैं यहाँ पर एक्स वाई जी भी लिख सकती हूँ पेपर में रिकमेंडेड होता है कि आप लिख लिया करो ठीक है या इसकी जगह पे आप पेपर में तो ये लिख सकते हो बट व्हेन यू आर राइटिंग एक्चुअली राइटिंग एन एप्लीकेशन टू सम अथॉरिटी और डिपार्टमेंट तो यहाँ पे आप एक्स वाई जी की जगह अपना नाम लिख सकते हो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ज़िशान अली ठीक है कौम उसके बाद नाम नाम की जगह हमने एक्स वाई जी लिखा नीचे हम एड्रेस लिख सकते हैं ठीक है ट्वेंटी टू ए बी स्ट्रीट मॉडल टाउन ठीक है यहाँ पर मैंने पूरा एड्रेस लिखा और सिटी जो है मैंने उसके नीचे लिख दिया और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर जहाँ पर हमने नाम लिखा उसके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे हमने लिख देना है डेटेड और यहाँ पे हमने अपनी डेट लिखनी है जो कि जिसका के फॉर्मेट क्या होगा हमने स्लैश की फॉर्म में लिखनी है ठीक है दिस ठीक हो गया तो इस तरह से हमने अपनी एप्लीकेशन को एंड करना है और कोशिश करें जब आपके एप्लीकेशन को एंड करें तो आप ये एरो डबल एरो वाली जो लाइन है वो लगा दें दोनों तरफ मोस्टली जगहों पे ये भी होता है कि अक्सर जो लोग हैं वो इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को वो इधर ले जाते हैं नहीं वी हैव टू स्टे ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पेपर का ऊपर वाला जो हमारा एड्रेस है जिसको हम भेज <coughs> रहे हैं वो भी इस तरह होगा बॉडी पैराग्राफ को हमने टू द पॉइंट रखना है बिकॉज वी आर राइटिंग अ फॉर्मल एप्लीकेशन उसके नीचे जो हमारी ये सारी चीज़ें होंगी अगेन उनको हमने टू द पॉइंट या यहाँ पर हम एड्रेस लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था ठीक है अगर आप पेपर में हो तो कोशिश करो आप सिर्फ यहाँ पर योर सिंसेयरली एक्स वाई जी लेकर आगे फुल स्टॉप लगा दो ये पूरी चीज़ तब आएगी जे आप कह सकते हो कि इसकी कंडीशन है यू मे राइट इट और यू मे राइट दिस वन ठीक है या आप ये पूरा स्ट्रक्चर लिख दो या सिर्फ ये बड़ा स्ट्रक्चर लिख दो ठीक हो गया और उसके एग्जैक्टली एक्सट्रीम राइट साइड पर हम इसका डेटेड लिख देंगे तो ये हमारा जो है एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पर आ, कुछ लोग जो है वो कन्फ्यूजन भी ए, थो, थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहते हैं कि शायद हमने इधर वो एग्जामिनेशन हॉल लिखना है या पता नहीं क्या क्या कुछ लिखना है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन टू द पॉइंट हम बात करेंगे यहां पर जाके हम अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो द कंसर्न अथॉरिटी विल बी टोटली क्लियर कि हम जो है वो क्या चाह रहे हैं या वट इज आवर यू कैन से डिमांड फ्रॉम दैम ठीक हो गया फिर उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको नाव हाउ दे दूँ आपके ये जो स्ट्रक्चर हैं कवर लेटर और रिज्यूम सीवी इनके बारे में ठीक है हमारा जो सीवी है करिकुलम विटाए ठीक है ये किसी भी जगह पे जब हमने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो हम वहाँ पर इसको जो है वो यूज़ करते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चलता है कि इसमें हमने ऐसा जो है वो कोई ये नहीं लगाना एप्लीकेशन दिस एंड दैट इसके स्ट्रक्चर में हम स्ट्रेट चलते हैं ऊपर अपना एड्रेस लिखते हैं देन वी गिव अ ब्रीफ़ समरी ऑफ आर सेल्स फिर हम अपना जो है वो एक्सपीरियंस देते हैं अपनी एजुकेशन की बात करते हैं अपने स्किल्स की बताते हैं हॉबीज़ अगर ऐड करनी है और रेफरेंसेज बताते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें और जो हमारा कवर लेटर होता है उसके ऊपर भी हम जो है वो एड्रेस अपना लिखते हैं जो हमारा कंसर्न बनता है उसका एड्रेस लिख कर, उसको बताते हैं कि वाई यू शुड चूज यूज मी हमारा कवर लेटर वो हो गया ठीक है और उसके नीचे जो है वो अपना एड्रेस लिख देते हैं ठीक है बताने का मकसद ये है कि ये हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अपने-अपने यू कैन से कि पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं और ये हमारे पास एप्लीकेशन राइटिंग है जो कि हमारी बड़ी ही टू द पॉइंट बात होती है एक फॉर्मल काइंड ऑफ राइटिंग है जिसको कि हमने इस तरह से लेकर चलना होता है एप्लीकेशन आपको पेपर में किसी भी टॉपिक में आ, आ सकती है सो यू शुड बेटर प्रिपेयर फॉर दीस थिंग्स थैंक यू mm <clears throat>